सर थोड़ा अपने बारे में बताएं। हेमेंद्र शर्मा, जो राइट क्लिक प्रोडक्शन के बैनर तले डॉक्टर आलोक प्रकाश जी के नेतृत्व में एक जो पिक्चर आपने देखी है, मैं इसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। और सर आज ये जो मूवी आपने स्क्रीनिंग करी है दशहरे वाले दिन, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो सब्जेक्ट था आपने देखा, एक दर्शन का सब्जेक्ट था। नर्मदा जी एक बहुत पूजनीय स्थान रखती हैं क्योंकि शिवा पुत्री हैं और मध्य प्रदेश में तो बहुत ही पूजी जाती हैं, और सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था जो डॉक्टर आलोक प्रकाश जी को पसंद आया, तो उनको लगा कि इसको एक रुपेले पर्दे पे एक पिक्चर के माध्यम से उतारना चाहिए। तो इसने आपने देखा ही, एक तो तीन लेयर में पिक्चर चल रही है, एक तो टीनेजर की लव स्टोरी है, दूसरा एक यंग साधु की एक यात्रा जो ढूंढ रहा है अपने गुरु को, जो उसको गुरु बनने को तैयार नहीं है, सोच रहा है कौन हूँ मैं। उसके बाद एक वो बुजुर्ग साधु जो अभी तक पूरी यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं, गृहस्थ देख चुके हैं, संन्यास देख चुके हैं, वो भी अभी तक अपने आप को नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। सर इस मूवी के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस मूवी के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो अध्यात्म है वो भी एक ऐसा विषय है, ऐसा कोई गूढ़ विषय नहीं है। उसको समझने के लिए आपको सिर्फ अंदर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए किसी बहुत बड़े गुरु की तलाश करें, कोई बहुत बड़े महापुरुष की तलाश करें, क्योंकि हम सब हैं तो एक जैसे, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो सबके अंदर वही आत्मा है। यही मेरा संदेश है समाज को। आपकी बहुत अच्छी मूवी बनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। वाकई में बहुत